बैकफुट पर चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, फिर आने वाले दिन में चार्जशीट में चार्जशीट में नहीं जोड़ा लेकिन सप्लीमेंट्री में जोड़ दिया। अरे भाई कौन क्या मतलब है, तलवार किस बात का लटकेगा? अरे भाई कुछ भी, कोई अगर गलत काम करेगा, कोई डरने वाला काम किए होंगे तब ना हमको डर लगेगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। बता दें आपको कि आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को तेजस्वी यादव को वहां पेश होना था, लालू प्रसाद यादव को और राबड़ी देवी को, जिसमें कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे तमाम विपक्ष के पार्टी के नेताओं की जो है वो परेशानियां बढ़ेगी, और ख़ासकर बिहार में जब जाति आधारित गणना हो गया है तो बिहार पर विशेष कृपा रहेगी ईडी और सीबीआई की। ये आज तेजस्वी यादव ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा था और हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने जो है बेल दिया है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हुआ। पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है, तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में इसकी गूंज हो रही है और मांग हो रही है। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के एमपी जो हैं पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज़ को उठाओगे तो वहाँ आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना जो हुई है बिहार में, इससे काफ़ी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं, खास तौर पे जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज़ को सुन लीजिए, न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उन्मिले जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पर चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता, अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका, 2 दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे। और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो टीएमसी से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए हैं अभी जो सीएम है असम के, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के एमपी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो भ्रष्टाचारी या बलात्कारी साथ बैठा हुआ है, भाषण में बोल रहे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है, ये दोहरा चरित्र। तो आने वाले समय में देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा।
लेकिन कुछ होना नहीं है, बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं। किस बात का? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं और बचपन से भी देख रहे हैं। अभी आपको और तंग करता है ना? अरे तंग करेगा तो जितना आदमी उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं, ये रिएक्शन है उनका। तो बिहार में भी रिएक्शन होगा, झारखंड में भी रिएक्शन होगा। जो क्षेत्रीय दल अच्छा काम कर रही है वहाँ दबाया जाएगा कि भाई बिहार में आप बता दो, बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जहाँ लाखों की तादाद में नौकरियाँ दी जा रही है? कोई एक राज्य बता दो। अब जाति आधारित गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं, इतना ही आपत्ति पेश कर रहे हैं और स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं। तो बोलिए ना मोदी जी को, भारत सरकार करा ना ले, ये तो मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। 14 से ना मांग हम लोग कब से कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना जो है होनी चाहिए। अगर उनको नहीं भरोसा हो रहा है तो बोलिए मोदी जी को देश भर में करा दे, या बिहार का अलग से करा दे। तो ये तो बताया नहीं जा रहा। तो खैर, एक अंतिम सवाल है, इसमें करना क्या, एक कॉलम में ना जोड़ना है। तो जातीय गन्ना तो छोड़िए, तो नॉर्मल सेंसस भी नहीं करा पाए, नहीं करेंगे। आप जो लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जरा आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलके मांग कीजिए ना, एक सवाल है, करा दे। आपने कहा था कि आपको जो करा रहे हैं उस पर आपत्ति पेश कर रहे हैं, और जो नहीं करा रहे उन पे जो है वाह वाह कर रहे। हम लोगों ने करके दिखाया है तो आपत्ति हो रही है।